नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों के पास एक रुपए भी नहीं है, यानी पैसा बिल्कुल है ही नहीं, और फिर भी वो चाहते हैं कि हमें कुछ बिजनेस करना है और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं गांव में रहकर। अगर आप शहर में से नहीं हो, अगर आप गांव में ही बैठे बैठे बिना पैसों के कुछ अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ तरक्की करना चाहते हो, आप नौकरी नहीं करना चाहते हो क्योंकि यार नौकरी आप कर रहे हो तो नौकरी से तंग आ चुके हो। अगर आप इनमें से एक हैं और अगर आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी 100% बदल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ त्यागनी पड़ेगी, अगर आपको अपने गरीबी दूर करनी है, अपनी सारी परेशानियाँ दूर करनी है तो सबसे पहले आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले आपको एक शर्म त्यागनी पड़ेगी। अगर आप दोस्तों शर्म करते रहेंगे, सोचेंगे मुझे ये काम कैसे करूं, वो काम कैसे करूं, ये मेरे लायक नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर इस तरह के अगर आपके मन में दोस्तों सवाल आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप सोचते सोचते आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। इससे हटकर दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि मेरे को क्या दिक्कत है, कोई किसी को देने वाला नहीं है, खुद को करना ही पड़ेगा, दोस्तों अगर आप शर्म त्याग देंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसमें से जो भी आपको रास्ता सही लगे, मैं कई सारे आपको बिजनेस बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे बिजनेस जो बहुत अच्छा खासा मुनाफा वाले बिजनेस है और बहुत लोग बड़े शान से उनको कर रहे हैं और अच्छा तगड़ा पैसा कमा रहे गांव में रहकर। अगर आप भी मेरे कहने के मुताबिक अगर आप उसमें से कुछ चूज करेंगे, उस पर फॉलो करेंगे, काम करेंगे दोस्तों, खाली वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी और उसके बाद अगर आप बिजनेस करेंगे तो 100% आप पैसा कमाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आपने बहुत सारे और भी वीडियो देखे होंगे, खाली वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, आपको जब वीडियो देखने के बाद उस पर 100% काम करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, और क्योंकि अगर आपके पास एक भी रुपये नहीं है तो आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन है ना, आज के दिन अगर आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे उसमें से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, उनके पास भी पैसा नहीं था। तो अगर आप भी अगर जीरो से स्टार्ट करो तो आप भी 100% कामयाब होने वाले हो, इसमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शर्म त्यागनी पड़ेगी। दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ। दोस्तों ये जो बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ आपको आज, कुछ ऐसे बिजनेस हैं, चार तो ऐसे बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें आपके पास एक भी रुपए नहीं है तो भी आप इनको स्टार्ट कर सकते हो, और चार आपको ऐसे बिजनेस आइडिया दूंगा आपके पास मात्र अगर थोड़े बहुत पैसे हैं, 2,000, 5,000, 10,000 तो इनको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक भी रुपए नहीं है और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपको इनको सीखना पड़ेगा, देखो कोई भी काम है उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो उसको बेटर कर पाएंगे, आपके फेलियर होने के चांस बिल्कुल दोस्तों ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप बिना सीखे कोई भी काम करेंगे तो अब कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली है, वो 100% सत्य है। तो आपको चार ऐसे बिजनेस बता रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए या आप पूरा एकदम डायरी पर नोट कर लीजिए, उसके बाद आप उनको प्रैक्टिकल देखिए, ये जो लोग मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वाकई में पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। उसके बाद आप मुझे जो भी आपको जैसा लगे आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा भी आपको लगे 100% कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि जो मैंने बात सही कही है वो सही है या कुछ गलत भी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बात करता हूँ बिना पैसे लगा के आप पैसे कैसे कमा सकते हैं गाँव में। अगर आप दोस्तों आप अपने करियर की शुरुआत ही अभी किया है, या अगर आप फेलियर हो चुके हो, या दूसरे बिजनेस करके या नौकरी से तंग आके, तो आपको कुछ ऐसे बिजनेस बता रहा हूँ जिनको आप पार्ट टाइम पहले सीख सकते हो और उसके बाद कर सकते हो। दोस्तों नंबर वन पे आता है बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस। अगर आप दोस्तों बाइक रिपेयरिंग एक ऐसा काम है जिसमें बहुत तगड़ी कमाई है, लोग गांव में बैठे बैठे पर डे के 1,500-2,000 आराम से कमा लेते हैं, और शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, शहरों में दोस्तों लोग 5,000-10,000 तक कमाते हैं, दो दो चार चार कारीगर रखते हैं और बहुत तगड़ी कमाई है, क्योंकि हर घर में एक एक दो दो बाइक, एक बाइक की एवरेज तो 100% है, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा अपने देश में जहाँ पे किसी के पास बाइक ना हो, और उसकी सर्विस करवाना, उसको रिपेयर कराना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बाइक की जितनी भी दुकानें आपको दिखेगी हमेशा आपको वहाँ पर भीड़ ही मिलेगी, जाते ही ऐसा कोई दुकान नहीं मिलेगी, 100 में से कोई एक ही दुकान होगी जहाँ पर आपको भीड़ ना मिले,
बाकी हर जगह आप जाएंगे तो आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा, आपको बाइक 2 घंटे 4 घंटे अगले दिन मिलेगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बाइक इतनी ज़्यादा आए दिन हमारे देश में हजारों लाखों बाइकें नई आ रही है, कम होने का नाम नहीं, बाकी मार्केट में बढ़ती जा रही है। दोस्तों इसमें कमाई की बात करें तो पूरी कमाई ही कमाई है, लेबर का कॉस्ट अलग से जोड़ी जाती है, अलग से स्पेयर पार्ट की अलग से आपसे पैसे लिए जाते हैं, स्पेयर पार्ट में भी डबल कमाई है दोस्तों। अगर आपको 50 रुपये का स्पेयर पार्ट डाला है तो वो 100 रुपये आपसे चार्ज करते हैं और लेबर अलग से बोल के लेते हैं, तो बहुत मोटी कमाई है। तो अगर आप इस बिजनेस से जुड़ते हैं, इस बिजनेस से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको पैसे नहीं लगाने हैं, जैसा कि मैंने बताया बिना पैसे वाला बिजनेस। आपको सबसे पहले इसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना हो सके, जब आप इसमें पूरा प्रैक्टिकल हो जाए, आपको लगे ये काम मेरे को अच्छे से आ गया है, आप अपने नज़दीक के कहीं पे भी सीख सकते हो, अपने जान पहचान में या अपने लोकल एरिया में जहाँ पे भी बाइक का गैरेज है, बड़ा गैरेज है, ऐसी जगह जहाँ जाना है जहाँ पे 100% जिसका काम अच्छा, वहाँ पे आपको एक बतौर कारीगर आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि शर्म छोड़ देनी है, क्योंकि अगर दोस्तों अगर आप ये काम एक बार सीख गए तो वाकई में आप अपना खुद का गैरेज खोल के बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई एक बिजनेस की, अब बताता हूँ दूसरा बिजनेस, ये भी बिना पैसों का बिना सीख के उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों जो मैं आपको सीखने वाले बिजनेस बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, उसमें सीखने के साथ आपको पैसा भी मिलने वाला, आप कहीं पे बतौर कारीगर काम करेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और उसके साथ में जब अपना खुद का बिजनेस करेंगे तब तो कमाई होने वाली है, तो आपको पहले दिन से इनकम होने वाली है। अगर आप कहीं पर काम करेंगे तो आपकी जो मजदूरी है वो आपको मिलेगी, साथ में आपको सीखने को मिलेगा और उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है फर्नीचर का। दोस्तों फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है, आज के दिन हर एक चीज़ जितने आप फर्नीचर की देखते हो हर एक चीज़ लकड़ी में बन रही है, अच्छे अच्छे फर्नीचर मार्केट में आ रहे हैं और ये फर्नीचर का क्रेज़ दोस्तों बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, गाँव में आज के दिन देखा जाए तो लेटेस्ट सब जो फर्नीचर है वो सब लोग लेटेस्ट फर्नीचर यूज करते हैं, लकड़ियों के जो फर्नीचर आजकल रेडीमेड बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, तो उसमें बहुत तगड़ी कमाई है दोस्तों। अगर आप भी फर्नीचर के कारीगर अगर बन जाएंगे तो आपको पता है कि फर्नीचर वाले कारीगर कितना पैसा चार्ज करते हैं, उनका स्क्वेयर फुट के हिसाब से रेट रहता है दोस्तों। अगर आपके घर पे छोटा मोटा काम भी अगर आपको करवाना है तो भी वो 500-1000 रुपये से कम तो आते भी एंट्री भी नहीं करते दोस्तों। तो अगर आप इस तरह का काम सीख लेंगे एक बार, और दोस्तों सीखने के में जैसे मैंने बताया जब आप सीखेंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद जब आप सीख लेंगे इसको 6 महीना साल भर अच्छे से प्रैक्टिकल, उसके बाद अपना खुद का फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और खुद का अपना कोई भी दुकान लेके इसको काम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है लेकिन आप अपने हाथ की कारीगरी से जब कुछ बनाएंगे तो वाकई में बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में ज़्यादा कमाई दोस्तों, जो हाथ से बने हुए फर्नीचर है उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो आप ये बिजनेस कर सकते हो और इसमें कमाई की बात करें तो बहुत तगड़ी कमाई है दोस्तों। आप देखते हैं शादी ब्याह के अंदर फर्नीचर क्वांटिटी में लिए जाते हैं, क्योंकि जब शादी में दहेज में देते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ लिए जाते हैं। अगर आप भी इस तरह का बिजनेस करेंगे तो आपकी भी सेल तगड़ी होने वाली है। और दूसरा, जब लोग नए घर बनाते हैं वहाँ पे अभी आज के दिन जो क्रेज है वहाँ पे पूरा फर्नीचर घर के अंदर ही बनाया जाता है, पूरा तैयार पहले से ही कर लेते हैं, उसको अंदर फिट कर देते हैं, तो वो बहुत तगड़ी आज लाखों रुपये के 5-5, 10-10 लाख के फर्नीचर लोग एक घर में बनवाते हैं, तो उसमें कमाई बहुत मोटी होती है दोस्तों। तो उसमें पूरा लेबर वर्क होता है और जो सामान आता है उसमें भी अच्छी खासी वो लोग कमाई करते हैं, कम रेट में मिलता है होलसेल में, और बहुत तगड़ी कमाई। 1-2 कारीगर रख के आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 3 पे, अगर आप गांव में कलर काम करते हो, बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, PUP का जो काम है, कलर का काम है, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। भले आपको देखने में छोटा ही क्यों ना लगे लेकिन इसमें कमाई बहुत तगड़ी है। आज एक एक मकान को कलर करने के लोग 20,000, 30,000, 50,000 चार्ज करते हैं, उसमें POP का अलग से चार्ज होता है, तो बहुत ही बड़ा काम है दोस्तों। ये आपको छोटा मत समझिएगा, इसको बहुत मोटी कमाई होती है। इसमें एडवांस में ऑर्डर रहते हैं, कभी काम की कमी नहीं आती, आप सभी को पता है। कभी भी कोई कलर का कारीगर, POP का कारीगर, आपको अच्छा कारीगर है, कभी उसको फुर्सत मिलेगी नहीं, हमेशा उसके पास एडवांस ऑर्डर रहते हैं दोस्तों। तो आप भी दोस्तों अगर इस काम को सीख लेंगे एक बार, सीखने में ये कुछ भी काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, सबसे आसान काम है, जिसे मात्र 5-10 दिन या महीना भी अगर किसी अच्छे कारीगर के साथ रहेंगे बतौर हेल्पर तो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों। अगर जब आप इस काम को सीख जाएंगे, खुद का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, खुद का कलर काम कर सकते हैं, POP कर सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर है, तो कमाई बहुत तगड़ी है जैसा कि मैंने बता दिया, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, काम की कभी भी कमी नहीं आने वाली है। नंबर चार पे आई एक बिजनेस है, वो है फैब्रिकेशन का बिजनेस। फैब्रिकेशन का मतलब है दोस्तों जो दरवाजे खिड़कियां जो लोहे के आज के दिन जो बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही है लोहे के अंदर, लोहे के जितने आप जाली देख रहे हो, ग्रिल देख रहे हो, दरवाजे देख रहे हो, बहुत नई नई चीज़ के आज के दिन तो बहुत सारे लेजर कटिंग के दरवाजे आ गए हैं, पूरा टोटल मशीनों से ही वर्क होता है और बड़ी आसानी से अगर आपके पास मशीन लेने की जरूरत है दोस्तों मार्केट में ये सब काम होते हैं और आपको अच्छे दाम इनके दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों फैब्रिकेशन का काम, वेल्डिंग का जो काम है उसमें भी बहुत मोटी कमाई, अगर दोस्तों आप इस काम को सीखते हैं तो वाकई में बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। आप कहीं भी फैब्रिकेशन की दुकान पर जाइए, आपको कभी भी उसको फुर्सत नहीं मिलेंगी क्योंकि उसके पास भी हमेशा ऑर्डर आए रहते हैं। आज के दिन फैशन का दौर है दोस्तों, नई नई ग्रिलें आ रही है, नए नए मॉडर्न टाइप के दरवाजे आ रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि मेरे पास नए दरवाजे हो, मेरे जब नया मकान बनता है तो वहाँ पर सब चीज़ नए स्टाइल की रहती है। तो आप भी अगर फैब्रिकेशन का दोस्तों आप काम करेंगे तो मोटा पैसा कमा सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे रिपेयरिंग के काम भी आपको इसमें मिलेंगे। छोटी मोटी किसी को वेल्डिंग करवानी हो या कुछ भी छोटा वगैरह कुछ भी कोई चीज़ को वेल्डिंग करवाना है तो उसमें तगड़ा पैसा वहाँ पे चार्ज करते हैं। आप देखते हो गांव देहात में वेल्डिंग वाले कितना पैसा कमाते, कभी फुर्सत नहीं रहती है दोस्तों। ये एक ऐसा काम है दोस्तों, अगर आप इसको सीखेंगे, सीखने के साथ भी पैसा मिलने वाला है, उसको सीख के आप अपने खुद की छोटी मोटी दुकान फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट कर सकते हो और देखते देखते थोड़े दिन में दोस्तों आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। दोस्तों ये तो हो गए ऐसे बिजनेस जिनमें आपके पास अगर एक भी पैसा नहीं है, गांव देहात में आप सीख के मोटा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं चार ऐसे बिजनेस जिसमें अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और पहले दिन से आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो आप कौन से बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा गाँव में चलते हैं। दोस्तों सबसे नंबर वन पे ज़्यादा चलता है किराने का बिजनेस। दोस्तों अगर आपके पास 20,000 30,000 50,000 की अगर आपके पास रकम है, जमा पूंजी है, तो आप किराने का दोस्तों बिजनेस कर सकते हो। किराना बिजनेस दोस्तों एक ऐसा है जिसमें पहले ही दिन से आपको अर्निंग होने वाली है और इसमें मार्जिन की बात करें तो 30-40% का दोस्तों मार्जिन है। बहुत कमाई दोस्तों किराने के अंदर, हर प्रोडक्ट में कमाई है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको 1-2 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। बड़ी बड़ी ब्रांड है ना दोस्तों, उसके अंदर भी आपको 30-40% तक के आपको मुनाफा होता है। ये सब कहने की बातें हैं कि बचत नहीं है। आप जब जाएंगे होलसेलर के पास, आप माल का इंक्वायरी कीजिए कि कौन सा माल कितने रुपए में आता है। दोस्तों मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा अनुभव किया है, तो किराने के अंदर बहुत मोटी कमाई है। दोस्तों आप किराने का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों नंबर दो पे आता है फल और सब्जियों का। फल अगर सब्जियों का अगर दोस्तों व्यापार करते हो अपने गांव में कहीं पे भी, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मोटी कमाई है और रूटीन के कस्टमर दोस्तों अगर आपके पास आएंगे बहुत मोटा पैसा आप कमाएंगे। दोस्तों फल और सब्जी एक ऐसा बिजनेस है जो कभी उसमें मंदी आने वाली नहीं है। सब्जियाँ हर आदमी को जरूरत पड़ती है, डेली का रूटीन है दोस्तों, और उसमें मार्जिन लगभग 40-50% का मार्जिन है दोस्तों। आज के ना आज के दिन की दोस्तों बात करें, आज के दिन टमाटर आलू प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हैं और दोस्तों सब्जियों के अंदर जब जितने भी महंगे जब होंगे, महंगाई ज़्यादा होगी तो ही दुकान वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों। यही जब आलू 5-10 रुपये किलो बिकता है तो दुकान वाला ज़्यादा नहीं कमा पाता है, लेकिन आज जब 50-60-70 रुपये किलो बिक रहा है तो उसमें उनका जो मार्जिन है ना वो बहुत मोटा हो जाता है कि 40-50 रुपये खरीदते हैं और 80 रुपये बेच रहे हैं तो 30 रुपये किलो कमा लेते हैं। वही जब चीज़ 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो बिकती है तो उसमें उनको 1-2 रुपये ही मिलता है और जो सेलिंग है दोस्तों वो उतनी होने वाली है, क्योंकि देखो आलू सबको खरीदने पड़ेंगे, प्याज खरीदने पड़ेंगे, टमाटर खरीदने पड़ेंगे, ये बेसिक चीज़ें जो खरीदनी पड़ेगी कितनी ही महंगी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब जो दुकानदार है ना दोस्तों उसका मार्जिन बढ़ जाता है, वो अपने मार्जिन को 30-40% जब जोड़ते हैं तो उसमें तगड़ा मुनाफा होता है। जब मंदी के अंदर जब सब्जियाँ सस्ती होती है वो भले ही 500-1000 रुपये कमाते हैं, लेकिन जब महंगाई के अंदर वही माल जब बेचते हैं तो 3000-4000 रुपये कमा लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल सच्ची बात है, आप इनको प्रैक्टिकल जब करेंगे आप देखेंगे तब आपको यकीन होगा, और जो लोग जानते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब्जियां जब ज़्यादा महंगी बिकती है तो ही कमाई होती है। आप कोई भी एक सब्जी लेके मार्केट में बेच सकते हैं या आप कोई भी फ्रूट बेच सकते हैं, आप चाहो तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, तो अगर वो जगह है तो आप दोनों चीज़ें बेच सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें बिकने वाली है, बहुत तगड़े मुनाफे वाली दोस्तों ये बिजनेस है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों नंबर तीन पे आता है अगर आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो
तो पैसा है तो आप जूस का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। जूस की बात करें तो फ्रेश जूस का बिजनेस कर सकते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश जूस, मौसम्बी का, नारियल पानी का जूस, इस तरह का नारियल पानी और मौसम्बी जूस है, ये सबसे ज़्यादा सुबह में टाइम बिकते हैं, इसको बेच सकते हो। और उसके जो शाम के टाइम दोस्तों, दोपहर के बाद जब गर्मी हो जाती है, तब आप गन्ने के जूस को बेच सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही रफ्तार में चलने वाले जूस है और उसमें कमाई बहुत मोटी कमाई दोस्तों। अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपये हैं तो इन दोनों जो जूस के जो बिजनेस जो मैंने बताए उसमें से जूस का स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा पैसा दोस्तों आप कमा सकते हो दोस्तों। इससे अगला आता है आइसक्रीम का बिजनेस। अगर आपके पास दोस्तों थोड़ा बहुत पैसा है तो आप आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हो। तो आइसक्रीम का बिजनेस ऐसा है दोस्तों जिसमें बहुत मोटी कमाई है, 50 से 60% कमाई है दोस्तों, और बहुत ही रफ्तार से चलता है गर्मियों के टाइम में। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप अपने दुकान टाइप इसको खोल सकते हो, या स्टोर लगा सकते हो, या आप आजकल लोरियाँ आती है वो अलग अलग फैंसी लारी आती है वो आप ले सकते हो, जो घूम फिर के कॉलेज में या स्कूल के आगे या कहीं पे भी आपको जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह बाजार है वहाँ पे इसको आप खड़ी करके अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट होने वाले दोस्तों जो मैंने आज 4 बिजनेस बताए हैं उसको कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी रिस्क है नहीं। या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया जो 4 बिजनेस बताए उनको पहले सीखिए, उसके बाद बड़ी कमाई वाले बिजनेस है दोस्तों उनमें आप बहुत तगड़ा पैसा कमाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने प्रयास किया आपको बताने के कि कौन कौन से बिजनेस है जिनमें ज़्यादा कमाई है और 100% सक्सेसफुल बिजनेस है दोस्तों, जिसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। आप भले गाँव में हो या शहर में हो, गाँव से आप इनको स्टार्ट कर सकते हो, पैसों की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आप कमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर पूरा डिटेल से और बता दूंगा दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो देख लेने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको उसको अमल करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेहनत दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, शर्म त्यागनी पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मार्केट में निकलिए, जो मैंने बताए हैं बिजनेस दोनों ही जैसा भी आपको सूट हो रहा है, अगर सीख के करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या आप डायरेक्ट बिजनेस करना है तो उनमें से कोई भी चूज करके कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को नए है तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।